फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएमसी के बारे में, जिसको हम आम भाषा में बच्चेदानी की सफाई भी बोलते हैं और मेडिकल टर्म में जिसको डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज बोला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। मेनली जो ये वीडियो है ये इसके ऊपर है कि जब आपके डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका डीएमसी होना है तो उसके बाद कैसे पूरा प्रोसेस होता है, आप जब एडमिट होती है हॉस्पिटल में एंटर करती है तब से लेकर डिस्चार्ज तक क्या क्या आपके साथ होता है, ये बेसिकली वो वीडियो है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही जो है अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डीएनसी है वो अलग अलग चीज़ों में किया जा सकता है। अगर कोई मिस्ड एबॉर्शन हो गया है, मिसकैरेज हो गया है फीमेल का, या कोई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, मतलब किसी भी केस में जिसमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या आपने पहले कोई दवाई ली है एबॉर्शन के लिए और कुछ रेमिनेंट्स रह गए हैं, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उस केसेस में भी डॉक्टर आपकी बच्चेदानी की सफाई आपको लिख सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा केस है जिसमें लिखते हैं जनरली, वो ये है कि आपको ये चेक करना है कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं या अंदर की वॉल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल है, ऐसा तो नहीं है कि कोई कैंसरस ग्रोथ है या कुछ किस वजह से आ रहे हैं। तो डॉक्टर अंदर का टिश्यू निकाल के उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं और उसके बाद रिपोर्ट आती है तो वो चेक करते हैं कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में बेसिकली क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए डीएनसी डॉक्टर्स आपके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो मेन वीडियो है उसके टॉपिक की, कि जो ये डीएनसी है, आपके डॉक्टर ने डीएनसी लिख दिया है, अब आपको बच्चेदानी की सफाई करानी है। तो फीमेल्स बहुत डरी होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे एडमिट से लेकर डिस्चार्ज तक के लिए। तो चलिए वीडियो अब मेन टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। आपके डॉक्टर सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराएंगे, आपका ब्लड ग्रुप चेक कराएंगे, क्योंकि ये दोनों उनके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उनके पास ब्लड अवेलेबल हो, इसलिए वो हमेशा ये दोनों टेस्ट जरूर कराते हैं। साथ में ही अल्ट्रासाउंड जरूर कराया जाता है ये देखने के लिए कि नॉर्मल क्या कंडीशन है यूट्रस की, ठीक है। तो ये तीनों टेस्ट कराए जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर्स ये भी लिख लेते हैं कि आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको एक रूम में ले जाया जाएगा। उस रूम में ले जाने के बाद आपको जो सर्विक्स है, जिसको हम यूट्रस की ओपनिंग बोलते हैं, उसको सॉफ्ट करने के लिए दवाई दी जाएगी। वो दवाई आप ओरली भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली मैक्सिमम डॉक्टर्स उसको वेजाइनली देना चाहते हैं। नर्स आएगी, उसको आपकी वेजाइना में अंदर इंसर्ट कर देगी, वो रख देगी, बहुत ही हल्का सा, जिसको कहते हैं जस्ट आपको फील होगा कि हाँ फिंगर से जैसे वो रख रही है वो आपको फील होता है, बट ऐसा कुछ पेन नहीं होता है, वो आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ड्रिप वगैरह चलाने के लिए जो है कैनोला वगैरह लगा दिया जाएगा, कि क्योंकि कोई मेडिसिन चलानी पड़ सकती है तो उसके लिए वो लगा दिया जाएगा। फिर आपको जो है टिटनेस का टी टैप का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, क्योंकि आपका जो प्रोसीजर होना है उसमें एक्सटर्नल मटेरियल्स हैं, एक्सटर्नल जो औजार हैं वो आपके अंदर डाले जाते हैं, इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन डॉक्टर पहले लगा देते हैं। उसके बाद ये जो मेडिसिन आपकी डाली गई है ये क्या करती है, ये जो सर्विक्स है उसकी ओपनिंग को, उसको सॉफ्ट कर देती है, जिससे कि उसके अंदर अगर कोई औजार डालना है तो वो डाला जा सके। इसको 2 घंटे के लिए डॉक्टर ऐसे ही रहने देते हैं। अब अगर मैं बोलूं तो इसको डालने के बाद आपको हल्का हल्का से ऐसा लगना शुरू होगा कि थोड़ी गर्माहट उस एरिया में वजाइना के पास जो है अंदर सर्विक्स के आसपास आपको फील होनी शुरू होगी। कोई ऐसा एसच कोई पेन नहीं होता है। 2 घंटे के बाद आपके डॉक्टर आपको ओटी में लेके चले जाएंगे। अच्छा, मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर सेंटर्स में जो है आजकल ये प्रोसीजर जो है जीए में किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में, बट कुछ जगह ये एलए में भी किया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया में। जब ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है तो उस टाइम पर पेशेंट को नीचे के एरिया को सुन किया जाता है, तो उसको थोड़ा पता चलता है कि कुछ प्रोसीजर हो रहा है, पेशेंट जगा हुआ होता है, सेंसेस में होता है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट बेहोश होता है। कुछ कुछ फीमेल्स को उस टाइम पे बहुत पेन भी फील होता है, कुछ को कम होता है, तो ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है आपकी पेन बियरिंग कैपेसिटी में कि आप कितना दर्द झेल सकते हैं, बट एलए में जनरली लोगों को पता चलता है दर्द होता है। अगर जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया में आपका जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है वो आपको एनेस्थीसिया देता है, आप सो जाते हैं, आप बिल्कुल बेहोश होते हैं, आपको कुछ नहीं पता चलता है। टोटल जो प्रोसीजर है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है, वो भी मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, नहीं तो जनरली 10 to 15 मिनट्स में ही प्रोसीजर खत्म हो जाता है। ये जो प्रोसीजर है में क्या होता है कि जब आप अंदर जाते हैं आपको लिटा दिया जाता है, आपको बेहोश कर दिया जाता है, जो आपकी
डॉक्टर है जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो अब क्या प्रोसीजर करेगी, जैसे इसका नाम है इसका डायलिटेशन एंड क्यूरेटाश। तो सबसे पहले जो सर्विक्स है उसको डायलेट किया जाता है, उससे पहले जो वेजाइनल केनाल है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्युलम। उसको डालने के बाद क्या होता है, वेजाइना को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाता है। उसको चौड़ा करने के बाद धीरे धीरे अलग अलग डायलेटर्स डाले जाते हैं, जो पहले छोटे पतले वाले डाले जाते हैं, फिर उससे थोड़ा और मोटा डाला जाता है, जिससे अलग अलग डायमीटर के डाल के जो सर्विक्स है उसको थोड़ा चौड़ा किया जा सके। जब वो सर्विक्स उतना चौड़ा हो जाता है कि डॉक्टर को लगता है हाँ ठीक है अब हम प्रोसीजर कर सकते हैं, तो अगर प्रोसीजर किस लिए होता है कि अंदर से भ्रूण है, मतलब अंदर कोई बच्चे के रेमिनेंट्स हैं या बच्चा है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है या मिस्ड एबॉर्शन है, ऐसा कुछ केस है, मिसकैरेज हो गया है, उसको अंदर से निकालना है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की जो है आपका जो कैन्यूला डालेंगे और उसको सक्शन से कनेक्ट करेंगे। सक्शन मतलब कि एकदम से प्रेशर से, जिससे कि अंदर से उसको उस पार्ट को पूरा खींच के निकाला जा सके। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद डॉक्टर क्यूरेटाज डालते हैं। अब क्यूरेटाज क्या होता है, क्यूरेटाज को अगर आम भाषा में बोला जाए तो क्यूरेटाज का मतलब होता है कि आप अंदर से किसी चीज़ को खुरच के निकाल रहे हैं। तो जो उसकी लाइनिंग है, फिर यूट्रस की अंदर की जो लाइनिंग है, वो इंस्ट्रूमेंट क्यूरेटाज वाला डाल के अंदर की लाइनिंग को खुरच के डॉक्टर हल्का सा निकाल देते हैं। क्यों, कि अगर कोई ब्लड क्लॉट गया है या ऐसा है कि जो बच्चा था भ्रूण था उसका कोई पार्ट रह गया या कुछ भी अगर रेमिनेंट अंदर रह गया है तो वो निकल जाए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर डॉक्टर को क्या करना है कि ये जो प्रोसीजर है ये इसलिए नहीं किया गया है कि अंदर बच्चा था या अनवांटेड प्रेगनेंसी थी या कोई भी उसका रेमिनेंट था, ये प्रोसीजर इसलिए किया गया है ये चेक करने के लिए कि क्या बॉडी के अंदर ऐसे कुछ अनवांटेड चेंजेस आ रहे हैं। तो अंदर की जो लाइनिंग है उसको डॉक्टर निकालेंगे क्यूरेटाज से। उसमें जो है, पहले जो हमने प्लास्टिक वाली ट्यूब डाली थी वो हमें सक्शन वाली ट्यूब नहीं डालनी पड़ती है, उसकी जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उसको डायलेट करते हैं। सारा प्रोसीजर सेम है, डायरेक्टली हम उसको डायलेट करेंगे, डायलेटर्स डालेंगे अलग अलग डायमीटर के, सर्विक्स की ओपनिंग ओपन हो जाएगी और उसके बाद डायरेक्टली हम क्यूरेटाज डाल देंगे। सक्शन को नहीं डालेंगे, डायरेक्ट क्यूरेटाज डालेंगे, अंदर की लाइनिंग को निकालेंगे, उसको लैब में भेज देंगे टेस्टिंग के लिए और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर हो गया। जब प्रोसीजर हो जाता है तो डॉक्टर अंदर हल्का सा एक गौज, जिसको हम बोलते हैं, मतलब आप मान लीजिए कि एक कॉटन से लगा हुआ टुकड़ा अंदर लगा देते हैं, जिससे कि जो ब्लीडिंग हो उसमें आ जाए, और आपको पैड भी लगाना होता है उस टाइम पे। डॉक्टर आपको लगाकर ही डिस्चार्ज करते हैं। आपको आपके जो एनेस्थीसिया वाले हैं वो सेंसेस में ले आते हैं, आपको ओटी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और आपको नॉर्मल रिकवरी रूम में रख दिया जाता है, जहाँ पे आपके वाइटल्स चेक होते रहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका पल्स रेट नॉर्मल है, वो सब चेक होता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपको दो से तीन घंटे डॉक्टर वहीं पर रखते हैं रिकवरी रूम में। क्यों, वो ये चेक करते हैं कि आपको कोई पेन तो नहीं है, आप क्योंकि एनेस्थीसिया दिया गया था आपको, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही हो। डिस्चार्ज करने से पहले वो आपको एक कप चाय लेने के लिए बोलते हैं और उसके साथ दो बिस्किट खाने के लिए बोलते हैं। बेसिकली ये इसलिए कि कई बार पेशेंट को उल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये देखने के लिए कि पेशेंट घर भेजने के लिए ठीक है या नहीं। उसके बाद अगर आप पूरे इस तरह सेंसेस में होते हैं, आप बोलते हैं हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 घंटे बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि जब आप डीएनसी के लिए जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको जो है 5 से 6 घंटे की फास्टिंग के लिए बोलते हैं उससे पहले, क्योंकि जब भी हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उससे पहले 5 से 6 घंटे आपने कुछ भी खाया नहीं होना चाहिए। तो आप मॉर्निंग में ऐसा कर सकते हैं कि कुछ हल्का फुल्का ले लें, चाय 2 बिस्किट लें, और उसके बाद आप 6 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका डॉक्टर आपका प्रोसीजर करे, ऐसा किया जाता है। आपको घर भेज दिया जाता है और उस रात आपको बिल्कुल हल्का खाने के लिए बोला जाता है, जैसे कि खिचड़ी, क्योंकि वॉमिटिंग के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत जनरल एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है। 1 से 2 दिन आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ भारीपन है, फिर वो कम्प्लीटली चला जाएगा। अब ये जो डीएनसी प्रोसीजर है ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, अगर ये जनरल एनेस्थीसिया में किया गया है, और लोकल एनेस्थीसिया में जब किया जाता है तो आपको इसका पता चलता है। 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है, तो घबराने के लिए नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स को ये लिखा जाता है तो फीमेल्स बहुत डर जाती हैं, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आपको क्या क्या, जब आप ओटी में हॉस्पिटल में एंटर करेंगे उसके बाद आपको ओटी ले जाया जाएगा और ओटी से बाहर आने के बाद आपको क्या किया जाएगा। जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है उससे पहले ये चेक कर लिया जाता है कि आप कंप्लीटली फाइन है, कोई और मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको देने की कुछ जरूरत नहीं है, तो उसके बाद जो आपका कैन्यूला लगाया गया था वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब आपको कोई ड्रिप वगैरह चढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है डॉक्टर
डॉक्टर्स आपको मेडिकेशंस देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि आपको 7 दिन तक लेनी होती है, जिसमें एक एंटीबायोटिक होता है जो सुबह शाम लेना होता है, फीवर की दवाई होती है और पेन किलर होता है जो आपको सुबह शाम लेना होता है। उसके साथ आपको जो है आयरन की टैबलेट दी जाती है, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ होता है तो आयरन की टैबलेट दी जाती है, और एक मल्टीविटामिन भी डॉक्टर्स देते हैं जो आपको लेना होता है। तो इस तरह 4 दवाइयाँ आपको डॉक्टर्स देते हैं 7 डेज के लिए, और जो मल्टीविटामिन है और जो आयरन की दवाइयाँ हैं वो आपको 15 दिन के लिए दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जितने भी आपके क्वेरीज थी और जितना भी पूरा प्रोसेस था वो बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई और आपका कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि लोग एक सवाल जरूर करेंगे कि DNC में खर्चा कितना आता है। तो देखिए, अलग सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, पर 5 से 8 हज़ार तक का खर्चा इसमें आ सकता है अगर आप इसको GA में कराते हैं। और अगर आप इसको लोकल में कराते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में, तो खर्चा और कम आता है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में जो है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का खतरा, जो चार्जेस हैं बेसिकली, वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक जो फीमेल्स जनरली पूछती हैं इससे रिलेटेड, कि क्या प्रोसीजर के दौरान दर्द होता है? तो नहीं, प्रोसीजर के दौरान कोई दर्द नहीं होता, और प्रोसीजर के बाद भी आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें पेन किलर्स होते हैं, और एज सच कोई दर्द नहीं होता है। आपको जस्ट ऐसा लगेगा जैसे पीरियड के बाद हल्का हल्का क्रैम आया। ब्लीडिंग हो सकती है, नॉर्मल है, 5 से 7 दिन ब्लीडिंग हो सकती है, बट वो बहुत हल्की ब्लीडिंग होती है, और किसी किसी को तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है इस टॉपिक पे। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और औरों के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।